शिवरंजनी तिवारी चर्चाओं में आई हैं। दरअसल बागेश्वर धाम महाराष्ट्र से उन्होंने मिलने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि मेरे प्राणनाथ 15 को एकांतवास में नहीं जाएंगे। दरअसल शिवरंजनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे प्राणनाथ मैं बागेश्वर धाम पहुंच रही हूं, पद यात्रा करके 16 जून तक बागेश्वर धाम शिवरंजनी पहुंचने वाली हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। जय श्री गंगोत्री धाम की, जय बागेश्वर धाम की। परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। चूंकि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं, करीब 1300 किलोमीटर की ये पदयात्रा, बिल्कुल मंजिल के करीब ही पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर था उसमें सभी लोगों ने पदयात्रा की है। और हे मेरे प्रभु जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। हृदय की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, हृदय की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु मंजूर करते हैं पुकार जब दिल से होती है, प्रभु मंजूर करते हैं पुकार जब दिल से होती है। लेकिन मुश्किल तो यह है, बात बड़ी मुश्किल से बनती है। हे मेरे प्राणनाथ अंतर्यामी प्रभु, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा, मैं आ रही हूँ। तो चलिए, जिस तरह से शिवरंजनी एक अपनी यात्रा लेकर निकली हैं और उनका उद्देश्य क्या है, कई बार उनसे पूछा गया लेकिन वो इस चीज को बड़े ही सहजता से और चतुराई से हमेशा से छुपाती नजर आई हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना रहा है कि जब बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री से जब उनकी मुलाकात होगी, उनके पास ही वो अपनी बात रखेंगी और उसके बाद ही वो खुलासा हो पाएगा कि आखिर उनके मन में किस तरह का संकल्प है। चलिए, हमारे साथ शिवनंदिनी हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं। शिवरंजनी, जिस तरह आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जिस तरह से ये देखा जा रहा है आपकी यात्रा को लेकर, शुरुआती तौर पर आप वीडियो बनाकर पहले आपने ये कहा कि मैं इस यात्रा की शुरुआत कर रही हूँ और यात्रा शुरू होने के बाद से लगातार अपडेट भी उसमें सामने आते रहे हैं, लेकिन सवाल वहीं अटका हुआ है कि आखिर आपके मन में चल क्या रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं शिवरंजनी, सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा हो रही है कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी करना चाहती हैं और यही आपका इस यात्रा का उद्देश्य है। यात्रा का जो भी उद्देश्य है, मैंने हर चैनल में कहा है, स्टार्टिंग से कहा है जब से यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि हमारे प्रभु जी अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, वो हर किसी की मन की बात पहचान लेते हैं। तो अब जब मैंने सोचा कि 16 जून तक हम लोग पहुंच जाएंगे तो उद्देश्य खुलासा वही मेरी पर्ची निकाल के कर देंगे, लेकिन अब महाराज जी खुद ही एकांतवास में जा रहे हैं। तो मेरी बस यही प्रार्थना है कि हम लोग 1300 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं और पदयात्रा बिल्कुल मंजिल के करीब ही पहुंच चुके हैं। तो लेकिन मुझे मेरे बालाजी सरकार पर और अपनी तपस्या पर, इस भीषण गर्मी की तपस्या पर और बालाजी सरकार पर पूरा पूरा भरोसा है, 110% भरोसा है कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी शिवरंजनी जी, आपने मुख्य बात नहीं की। जो मेरा सवाल था कि क्या आप वाकई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी की उम्मीद लेकर जा रही हैं, क्या आपके मन में यही चल रहा है? तो जब मिलेंगे उनसे तब वो ये बात क्लियर कर देंगे ना। मैंने तो कहा है ना, मैं वहीं जाके लाइव आऊंगी, वहीं आके बता दूंगी मेरे मन में क्या था, इस बात में कितनी सच्चाई है। अच्छा शिवरंजनी जी, ये बताइए कि मतलब आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही क्यों, और भी कई अच्छे कथावाचक हैं, आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर ही इस तरह की आपने संकल्प ऐसा क्यों लिया? ऐसी उनकी कौन सी वो प्रतिभा है जिससे आप इतना प्रभावित हुई कि कलश यात्रा लेकर इतनी दूर से और पैदल आप चल पड़ी? देखिए, कलश यात्रा तो मुझे करनी ही थी क्योंकि बालाजी सरकार मेरी आस्था है। और रही बात धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को ही क्यों चुना, तो इस बात में कितनी सच्चाई है वहीं जाके क्लियर हो जाएगी। इस बारे में थोड़ा सा चिंता भी ना करें सभी मीडिया चैनल। लेकिन तो फिर भी जिस तरह से शिवरंजनी जी, आप जिस तरह से उन्हें प्राणनाथ और कई ऐसे उनको संबोधन करती हैं, कोई खास बात तो उनकी होगी, आखिर ऐसी कौन सी उनकी बात है जिससे आप इतना प्रभावित हुई हैं? तीन बातें हैं। पहला, जो सनातन धर्म का परचम बुलंद कर रहे हैं।
सेकंड जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प किया है, और थर्ड जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल डालने की घोषणा की है। इसके अलावा बस यही तीन बातें हैं और उनके प्रवचन में रेगुलर फॉलो करती आ रही हूँ। 2021 से करीब कनेक्टेड हूँ और तभी से मेरी बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार में मेरी आस्था जुड़ी है। अच्छा शिवरंजनी जी, आपकी यात्रा को लेकर कुछ जानकारी दीजिए, किस तरह से ये यात्रा की आपने शुरुआत की और किसी तरह की कोई इसमें समस्या आई हो, किस तरह से आप चल रही हैं और कौन कौन आपके साथ में है? समस्या तो अभी तक कोई आई नहीं, हमने ये यात्रा 1 मई से स्टार्ट कर दी थी गंगोत्री धाम से, और तब से अब हालांकि बीच में गर्मी तो बहुत तेज लगी क्योंकि मई का महीना था, आसान बात नहीं मई में चलना। बीच में 22 से 29 वाला जो हफ्ता आया था उसमें कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स चल रहे थे जब बहुत ज्यादा भीषण गर्मी हो रही थी, हमको तो ऐसा महसूस हो रहा था कि 50 डिग्री भी क्रॉस कर चुका है टेम्परेचर, इतनी ज्यादा भीषण गर्मी थी। लेकिन हम जब उसमें भी नहीं रुके और उसमें भी हमारी पदयात्रा में कोई परेशानी नहीं आई, तब तो बिल्कुल करीब ही पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम की, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन शिवरंजनी जी, आमतौर पर देखा जाता है कि जब इस तरह से कोई भी हस्ती हो, संत हो या कोई भी एक्टर हो, सबका एक करियर रहता है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री की अगर बात करें तो वो अपने चरम पर हैं और उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो प्रभाव है, वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। उनकी कथा में लाखों लाखों लोग पहुंच रहे हैं, इतने लोग पहुंचते हैं कि जगह नहीं मिल पाती, प्रशासन को भीड़ पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि एक प्रसिद्धि पाने के लिए, एक पॉपुलैरिटी पाने के लिए, थोड़ा सा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए इस तरह की यात्रा आपने की हो पब्लिसिटी पाने के लिए? देखिए लोगों के मुंह है कुछ तो कहेंगे ही, और ट्रोलर्स को तो मैं हमेशा बहुत बड़ा वाला थैंक यू देती हूँ क्योंकि ना ही वो मुझे इतना ट्रोल करते और ना ही आपके जैसे बड़े बड़े चैनल्स मेरा इंटरव्यू लेते, तो उनके लिए तो बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है, ऐसे मुझे ट्रोल करते रहिए। और रही बात कई लोगों को जो ये लग रहा है पब्लिसिटी कर ले कर रहे हैं और जो भी वो समझ रहे हैं, तब उनके लिए क्या ही कहूँ, जिसको जो समझना है समझ लीजिए। मैंने तो बस यात्रा करनी थी और मैं तो बागेश्वर धाम तक बिल्कुल मेरी आस्था थी, मैं छुपछाप ही जाना चाहती थी, लेकिन ये रास्ते में पता नहीं इतनी ज्यादा कहाँ से मतलब फेमस हो गई यात्रा, मुझे समझ ही नहीं आ पाया। बिल्कुल, और जिस तरह से बातें चल रही हैं वो भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बात कहीं से निकल रही है थोड़ी बहुत सच्चाई उसमें होती है। शिवरंजनी जी, आप पहुंचती हैं, अगर आपकी बात सीधा बागेश्वर धाम, आप जैसे ही पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आपकी मुलाकात हो जाती है, क्या रिएक्शन आपका रहेगा? और दूसरा इसमें एक सवाल और, अगर आपकी जो मनोकामना है वो अगर वो नहीं मानते हैं, या आप जिस तरह से जो प्रस्ताव लेकर आप पहुंचने वाली हैं अगर वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है, तो क्या आगे और भी यात्रा होगी? देखिए ऐसा है, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि मैं शादी करने जा रही हूँ या शादी का प्रस्ताव लेके जा रही हूँ, मैं इस यात्रा कर रही हूँ बस। और दूसरी बात, मेरी लेकिन लेकिन शिवरंजनी जी, है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप कभी ये कहती हैं कि मेरे मन में है जो भी है वो वहां क्लियर होगा, और दूसरी तरफ आप ये भी कहती हैं कि मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना, इससे क्या है कि भ्रम की स्थिति ना रहे। आप आज क्लियर कर दीजिए कि आप शादी करने जा रही हैं कि नहीं। अरे भाई मैं शादी करने जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ तो वहीं जाके क्लियर होगा, मेरे मन में मनोकामना क्या है ये तो वहीं जाके बताऊंगी, मैं अभी से कहाँ बता दूँ, और मैं तो किसी चैनल में मैंने नहीं बताया है मेरी मनोकामना क्या है, क्योंकि जो भी मनोकामना होती है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती हम बता नहीं सकते किसी को। चलिए, जो मैंने सवाल पूछा था आप उसका जवाब दीजिए कि अगर अगर आप वहाँ पहुँचती हैं, आपकी मुलाकात होती है, क्या रिएक्शन आपका रहने वाला है, और अगर आप जो प्रस्ताव लेकर जाती हैं, अगर उस प्रस्ताव में, हो सकता है अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी इतने ज़्यादा व्यस्त हैं और उन्होंने कहा कि अभी इस प्रस्ताव को या जो भी आपकी मनोकामना है वो शायद थोड़ा सा डिले हो, तो क्या आगे भी और यात्रा रहेगी? देखिए मनोकामना पूरी होगी इसमें कोई संदेह नहीं है, जो भी मेरी मनोकामना है, क्योंकि मैं बालाजी सरकार में बहुत विश्वास रखती हूँ और मुझे पता है मैं 2021 से बालाजी सरकार के चरणों में अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ, उन्होंने मुझे इन 2 सालों में कभी निराश नहीं किया है और इस आगे भी निराश नहीं करेंगे, जो भी मेरी मनोकामना होगी वो तो पूरी होकर रहेगी। और रही बात मुलाकात की, तो फिलहाल तो हमारे प्रभु जी ने ऐलान कर दिया है कि वो एकांतवास में जा रहे हैं, तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, एक भजन की 2 लाइन सुना के आपको कहना चाहूंगी बिल्कुल, बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरिवर तेरी आरती,
में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं प्राणनाथ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं प्राणनाथ तेरी आरती। बहुत अद्भुत। अच्छा शिवरंजनी जी, एक बात और, दर्शकों के मन में ये सवाल उठता है, और खास करके आप खुद एक MBBS डॉक्टर हैं, इतनी पढ़ाई करने के बाद, मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद, आखिर इस तरह से ये अध्यात्म की तरफ एकदम से जाना, किस तरह से आप प्रभावित होकर अध्यात्म की तरफ बढ़ी, और आपके मन में इस तरह का संकल्प आखिर कैसे आया? देखिए, अगर आध्यात्म में बढ़ने का सवाल है तो बिल्कुल ये नया नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। हमारा जो घर है वो परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से ताल्लुकात रखता है, तो इसके कारण उन्हीं की प्रेरणा से हमारे घर में आध्यात्मिक वातावरण है। और हम लोग शनिवार रविवार को निःशुल्क सेवा देते हैं, वो भी पूज्य शंकराचार्य जी की ही प्रेरणा से। उन्होंने हमको कहा था, जिन जो भी अनाथाश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं, गौशाला होती है, उनमें बेसिकली हम लोग एक सेवा देते हैं जिनके घुटने, कमर, गठियावात में, जॉइंट्स में पेन होता है, साइटिका वगैरह का, तो उसमें हम लोग अपना जो दर्दनाशक तेल है उसको हम निःशुल्क देते हैं वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, गौशालाओं में। शनिवार रविवार के दिन निःशुल्क सेवा करते हैं, तो ये सेवा का भाव और आध्यात्मिक भाव मेरे मन में बचपन से रहा है। चलिए, अच्छी बात है, और ये होना भी चाहिए, खास करके जिस तरह से सनातन परंपरा से जो पीढ़ियां बिलोंग करती हैं, पढ़ाई के बाद स्थितियां आमतौर पर ये देखने को मिलती है कि जब वो बाहर निकल जाते हैं और एक लाइफस्टाइल उनकी चेंज होती है, तो इस तरफ आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने ये निर्णय लिया, ये वाकई काबिले तारीफ है। शिवरंजनी जी, हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप बागेश्वर धाम पहुँचें और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो, जिससे कि हमें भी तो पता चले कि आखिर वो मनोकामना क्या थी, और जो दर्शक और जो तमाम लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, वो सस्पेंस का भी खुलासा हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवरंजनी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमें समय दिया, हमारे साथ बातचीत की। तो 16 जून तक बागेश्वर धाम शिवरंजनी पहुंचने वाली हैं, और बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात करना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको जानकारी दे दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि वो एकांतवास में जा रहे हैं, लेकिन प्रार्थना ये की जा रही है शिवरंजनी के द्वारा कि कम से कम उनके साथ एक मुलाकात हो पाए और उनको अपनी बात रखने का एक मौका मिल पाए।